एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, ये होने वाला है ह्यूज मीशो हॉल। एंड आज के मीशो हॉल में मैं टोटल 11 आइटम आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड ब्यूटिफुल है। इनके कोड आपने ही मुझे दिए थे और जितने प्रोडक्ट्स अभी मुझे मिल गए हैं उतने मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्योंकि मीशो पर इतनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होता है ना कि शेयर भी नहीं करती, उससे पहले तो वीडियो भी नहीं बनती, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के मीशो हॉल में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेलिब्रिटी स्टाइल साड़ी, कुर्ता सेट, हैंड बैग, ज्वेलरी एंड मेकअप, जिनकी रिक्वेस्ट आपने मुझे की थी। एंड वैसे तो मीशो के बारे में सबको पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है या फिर मुझसे नए जुड़े हैं, तो मीशो इंडिया का नंबर 1 रीसेलिंग ऐप है। यहाँ से आप घर बैठे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। और आज के हॉल में से अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं, इनके कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और मीशो की मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर शेयर की हुई है यार, एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, आप बहुत ही खुश हो जाओगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं और अभी भी वो अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली बाय करना चाहते हो आप बाय कर सकते हो। और मेरे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से जाके पार्टिसिपेट करो। मैं नहीं चाहती आपसे गिव अवे मिस हो जाए, क्योंकि उसके जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। गिव अवे वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाके आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये वाली साड़ी, साइड में इमेज लगवा दूंगी, इस तरीके की जिप कवर में आपको देखने को मिल जाएगी। येलो कलर की साड़ी है एंड ये एक सेलिब्रिटी स्टाइल साड़ी है। देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मिलने के बाद उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लाइट वेट साड़ी है। तो सबसे पहले मैं आपको खोल के बताती हूँ, आपको भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लुक एट दिस साड़ी, है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी साड़ी। इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी, ये आपको येलो कलर में देखने को मिलेगी एंड इसके ऊपर येलो कलर के थ्रेड से ही पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई है, प्लस पर्ल लगाए हुए हैं बीच बीच में व्हाइट कलर के। ये आपको इस तरीके की लेस देखने को मिल जाएगी थ्रेड वाली चारों तरफ। ये जो फैब्रिक है ऑरेगंजा सिल्क का फैब्रिक है, तो ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, जो कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं बाद में दी ये ट्रांसपेरेंट फैब्रिक था आपने बताया नहीं, तो ऑरेगंजा सिल्क फैब्रिक ट्रांसपेरेंट ही होता है। तो इस तरीके की आपको ये साड़ी मिलेगी, पूरे पे आपको ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का काम देखने को मिल रहा है, बिल्कुल नीटली इन्होंने किया हुआ है एंड फुल में आपको ऐसा काम देखने को मिल जाएगा। पूरी 5.5 मीटर की आपको ये वाली साड़ी मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी एलिगेंट साड़ी है। फुल क्लिप आप साइड में देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी पहनने के बाद। इस तरीके की आपको ये 5.5 मीटर की पूरी ऑरेगंजा सिल्क फैब्रिक की साड़ी मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, खूबसूरत है, हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप बाय कर सकती हूँ। एंड इसका ब्लाउज तो मैंने आपको बताया ही नहीं, इसका ब्लाउज इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा ऑरेगंजा सिल्क फैब्रिक में। ये इन्होंने फ्रंट के लिए दिया हुआ है, फुल एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी इस पे भी आपको, और आप इसे स्लीवलेस स्टिच करवा सकते हैं या फिर स्लीव लगवाना चाहें वो आपकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कैसे भी चाहे स्टिच करवा सकते हैं। ये बैक के लिए इन्होंने बिल्कुल प्लेन दिया हुआ है, तो इस तरीके का आपको 90 सेंटीमीटर का फैब्रिक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आउटफिट दिखाने से पहले, ये जो मैंने टॉप पहना हुआ है, तो ये इसका लिंक मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, ये मैंने बहुत टाइम पहले शीन से परचेज किया था और आज तक पहना ही नहीं, फर्स्ट टाइम ही ये वाला टॉप मैंने पहना है। तो अभी शीन इंडिया में बैन है तो लिंक आपको नहीं दे सकती, मे बी अगर आप सर्च कर लेना आपको मीशो पे, अमेजोन पे या फिर यहाँ पे इधर उधर कहीं मिल जाए। तो ये है जो नेक्स्ट फर्स्ट आउटफिट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी कलरफुल सी रेनबो स्टाइल साड़ी। एंड गाइस, इसमें आपको बहुत सारे पैटर्न देखने को मिल जाएंगे, मीशो पे 3-4 पैटर्न दिए हुए हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। बिना खोले मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है एंड डिज़ाइनर साड़ी है। लुक एट दिस साड़ी, आपको देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फुल क्लिप में साइड में लगवा दूंगी, इस तरीके की नेट फैब्रिक में ही आपको ये पूरी साड़ी मिल रही है। खोल के बताती हूँ, लुक एट दिस,
आप देख लो ना कितना प्यारा रेनबो बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, कुछ न्यू लगी थी मुझे, प्लस इतनी ज़्यादा वर्थ इट लग रही थी प्राइस के अकॉर्डिंग, लाइक 600 के आसपास है, 650 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी ये वाली साड़ी। एंड पूरी साड़ी आपको इस तरीके की 5.5 मीटर की देखने को मिल जाएगी, अगर आप वेडिंग के अकॉर्डिंग या फिर छोटे मोटे फंक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं ना, हाईली रिकमेंड करती हूँ। अगर गर्ल्स वगैरह भी लेना चाहती हैं ले सकती हैं, कोई इस साड़ी को देख के नहीं कह सकता इतनी प्राइस की होगी ये साड़ी। कि आंचल और स्टार्टिंग वाली साड़ी आपको पूरी सेम ही मिलने वाली है, और इसके साथ आपको पूरा 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज दिया गया है, तो इसे स्टिच करवाना चाहो करवा सकते हो यार, लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग इसे साथ में स्टिच करवाओगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाएगा, अलग से कुछ हाईलाइट नहीं होगा। तो अगर आप इसे कोई अलग डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ कैरी करना, अभी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा है कि किसके साथ इसे कैसे पहनना है, लेकिन देखते हैं किसके साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हो, कुछ अपने आइडियाज से आप इसे अलग अलग तरीके के ब्लाउज के साथ स्टाइल कर सकते हो, बिकॉज इसमें कलर्स तो बहुत सारे हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ न्यू ट्राई कर सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको 90 सेंटीमीटर का इस तरीके का ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आउटफिट दिखाने से पहले मैंने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे लोगों ने वोट किया होगा और वोट मुझे पॉजिटिव मिले, तो डेफिनेटली वो मैं करने वाली हूँ। तो वो कम्युनिटी पोस्ट थी कि मैं आपके साथ रीसेलिंग की वीडियो शेयर करूँगी, लाइक बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि दिया कोई कलेक्शन बहुत अच्छा होता है तो आप रीसेलिंग भी स्टार्ट कर दो, और मैं भी सोच रही हूँ यार कि जिससे आपको भी फायदा होगा रीसेलिंग से, पर मैं अपने पहले वाले जो अब तक की वीडियो में दिखा चुकी हूँ उन प्रोडक्ट्स की कोई भी रीसेलिंग नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो पुराने प्रोडक्ट्स की रीसेलिंग नहीं करके अब जो मैं नए प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनकी रीसेलिंग करूँ, तो इसके लिए मैं अलग से कोई रीसेलिंग की वीडियो नहीं बना रही, ना ही कोई पेज बना रही हूँ, ना ही आपको इसके लिए कोई अलग से वीडियो वॉच करने की ज़रूरत है कि रीसेलिंग का वीडियो आया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सेम वीडियो जो मैं अभी आपको बना रही हूँ, जैसे मेरी आने वाली वीडियो में आपको रीसेलिंग देखने को मिल जाएगी, तो सेम प्रोडक्ट्स आप परचेज कर सकते हो मुझसे। मैं रीसेलिंग वाली जो प्राइस है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया करूंगी। स्पेशली मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं मीशो की वीडियो में अभी रीसेलिंग लेके आऊँ, और मीशो की वीडियो में आपको जो मैं प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी वो आपको रीसेलिंग में बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिल जाएंगे, और प्राइस सारी मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगी। तो जो भी आप परचेज करना चाहते हो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लो, पर जल्दी कॉन्टैक्ट करना, बिकॉज होगा क्या कि एक एक प्रोडक्ट ही होंगे वो, और जो भी जल्दी ही कॉन्टैक्ट कर लेगा मैं उसे शेयर कर दूंगी, तो इस तरीके से होगा। तो इससे क्या होगा, आपको अलग से वीडियो वॉच करने की भी जरूरत नहीं है, और अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हो और आपके काम का कोई भी प्रोडक्ट निकल गया तो आप परचेज भी कर सकते हो, वो भी कम प्राइस में। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत किया करो, एंड जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और जल्दी आप मेरी वीडियो वॉच करो और ग्रैब कर सको। तो इस तरीके का आपको कुछ मिलने वाला है जो कि आपके लिए एक लाइटिंग डील जैसा होगा, तो आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है इससे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट आउटफिट जो मैंने पिक किया है वो है एक प्यारा सा ब्लैक कलर का कुर्ता सेट। इस कुर्ता सेट को परचेज करने का रीज़न ही यही था क्योंकि ये ब्लैक कलर में था, प्लस कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको कुर्ता बताती हूँ, आज के जो प्रोडक्ट है ना वो रीसेलिंग में नहीं है, नेक्स्ट मीशो हॉल से आपको प्रोडक्ट्स रीसेलिंग में देखने को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं नहीं चाहती आपसे मिस हो जाए। तो इस तरीके का आपको ये वाला कुर्ता देखने को मिल जाएगा, ये ब्लैक कलर का आपको रेयन फैब्रिक में कुर्ता देखने को मिलेगा, फ्लेयर कुर्ता। ये फ्रंट इन्होंने दिया हुआ है, पूरा गोटे पत्ती का इन्होंने यहाँ पे डिटेलिंग की हुई है फ्रंट में। इसमें स्लीव्स आपको इतनी देखने को मिल जाएगी, स्लीव्स पे भी आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी गोटे पत्ती की। बैक साइड बहुत ही अच्छा है इसका, इसमें आपको डीप नेक मिल जाएगी, राउंड नेक बैक में, एंड टेसल्स जो दिए गए हैं ना, इतने बड़े बड़े टेसल्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इस तरीके के आपको ब्लैक एंड मर्जेंटा कलर के टेसल्स देखने को मिल जाएंगे, जब एक टाई अप होंगे बैक में बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे। एंड इस तरीके का आपको ये रेयन का कुर्ता देखने को मिल जाएगा, फ्लेयर कुर्ता है, समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। साइज जो मैंने परचेज किया है वो है स्मॉल, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज करना। और इसमें नीचे की साइड बॉटम में आपको प्लाजो देखने को मिल जाएगा, और इस तरीके का प्लाजो है, नीचे प्लाजो में डिटेलिंग की हुई है गोटा पत्ती की, इलास्टिक वाला प्लाजो है, और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा समर्स के अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, इतना ही ब्रॉड है। अब दुपट्टे के लिए इन्होंने इस तरीके का दुपट्टा दिया हुआ है, मल्टी कलर दुपट्टा है, और इसको परचेज करने का रीज़न इसका दुपट्टा एंड वो टसल्स ही थे, बिकॉज दुपट्टा आप ना किसी और
आउटफिट के साथ भी कैरी कर सकते हो। इस तरीके के दुपट्टे बहुत ही ज़्यादा डिजाइनर लगते हैं, कोई भी वाइट कुर्ती के साथ, कोई भी प्लेन कुर्ती के साथ आप इसे पेयर अप कर सकते हो। ये आपको ऑरेंज, रेड, मर्जेंटा कलर के शेड में देखने को मिलेगा। पूरे में गोल्डन प्रिंट किया हुआ है, कॉटन का दुपट्टा है। चारों तरफ आपको इस तरीके की गोल्डन लेस देखने को मिल जाएगी, पूरा प्रिंटेड है, गोल्ड प्रिंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना रिच लग रहा है ये वाला दुपट्टा, और लगवाने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आएगा। शेडेड दुपट्टा है 2.25 मीटर का। तो ये है जो नेक्स्ट आउटफिट मैंने यहाँ से पिक किया है। अब जो नेक्स्ट आउटफिट मैंने पिक किया है वो भी है एक कुर्ता शरारा सेट, और अभी तक मैंने इसे खोल के नहीं देखा। साइड में इमेज लगा दूंगी। ये रेड और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में है। तो सबसे पहले मैं आपको कुर्ता बताती हूँ बेटे। इसमें आपको इस तरीके की शॉर्ट कुर्ती देखने को मिल जाएगी, एंड रेयन फैब्रिक में कुर्ती है, प्योर रेड कलर में, पूरे पे गोल्डन प्रिंट किया हुआ है, फ्लावर बनाया हुआ है। आपको इस तरीके की नेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको टाइप करने के लिए डोरी दी हुई है। बैक साइड में भी आपको सेम एज इट इज डिजाइन देखने को मिलेगा, रेयन फैब्रिक है। साइज जो मैंने यहाँ से पिक किया है वो है मीडियम। आपको सारे साइज मिल जाएंगे मीशो पे, और फैब्रिक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। इस तरीके की शॉर्ट कुर्ती मिल जाएगी, और इसका जो शरारा है ना वो काफी फ्लेयर्ड वाला शरारा है, तो इसलिए इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है शरारा से। इसमें आपको इस तरीके का क्रीम शरारा देखने को मिल जाएगा, एंड लुक एट दिस शरारा कितना अच्छा है। स्ट्रेट में है, ऊपर से इलास्टिक वाला शरारा है, स्ट्रेट है, रेयन फैब्रिक के नीचे की साइड जाते हुए फ्लेयर इतना हो जाता है। गोटे की डिटेलिंग भी की हुई है, साइड में क्लिप लगवा दूंगी, और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने के बाद। दूसरा कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और इसमें जो इन्होंने दुपट्टा दिया है वो आपको बिल्कुल प्लेन रेयन फैब्रिक का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, एंड पूरा 2.25 मीटर का इसमें दुपट्टा दिया हुआ है। पूरे पे आपको गोटे की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी इस तरीके से। बिल्कुल लाइट वेट है, एलिगेंट है, एंड बहुत ही रिच लुक देगा पहनने के बाद। बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा किसी भी फंक्शन वगैरह के लिए ले रहे हो, अपनी किसी की फ्रेंड की शादी है या फिर आपके घर में कोई फंक्शन है, तो डेफिनेटली उस अकॉर्डिंग भी बाय कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हाईली रिकमेंड करती है दोनों कुर्ता सेट, डेफिनेटली समर्स के अकॉर्डिंग, किसी भी पार्टी फंक्शन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये है जो नेक्स्ट आउटफिट मैंने यहाँ से पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किए हैं यहाँ से, ये है पोटली। और एक पहले मैंने पोटली बैग परचेज किया था ना, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था आपके साथ शेयर करते करते, तो अब ये मैंने पोटलियाँ भी परचेज की है। अभी मैंने तीन कलर पिक किए हैं, सॉरी रेड वाला कलर मुझे मिला नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। और इसमें मुझे दो कलर मिल गए हैं, ये मैंने हल्दी और मेहंदी के अकॉर्डिंग पिक किए हैं। लाइक अगर आपकी फ्रेंड की हल्दी है, आपके घर में किसी का फंक्शन है, या फिर यार ऐसे भी बहुत ज़्यादा पोटली बैग ट्रेंड में चल रहा है, तो इसमें आपको काफ़ी सारे डिजाइन्स मीशो पे देखने को मिल जाएंगे। मैंने ये मिरर वाला पिक किया है क्योंकि मिरर वाला बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है, आप देख रहे हो ना। और यहाँ पे आपको पूरे पे इस तरीके के स्टोन लगाए हुए हैं, मिरर्स लगाए हुए हैं, गोटे का काम किया हुआ है। इसमें आपको स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, सारी पोटलियों में नहीं दी हुई है मीशो पे, ये बीड्स वाली जो इसकी चेन है ये सारी पोटलियों में नहीं है, वो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा रिच लुक लग रहा था इसका, एंड बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रही थी। और यहाँ पे आपको इस तरीके से आप इसे कैरी कर सकते हो, बंद कर सकते हो। तो इसमें मैंने दो कलर परचेज कर लिए, क्योंकि ये कलर्स ऐसे हैं हमेशा काम में आएंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। एक येलो कलर परचेज किया है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। लुक एट दिस, बहुत ही प्यारी लगी मुझे ये वाली पोटली, हाईली रिकमेंड करती हूँ, बहुत सुंदर लगेगी किसी भी सूट वगैरह के साथ, साड़ी के साथ कैरी करने पर। तो और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किए हैं वो है, ये मेरी मॉम के लिए बैंगल्स, एंड उनको मल्टी कलर के कोई बैंगल्स चाहिए थे, और मीशो पे मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे थे, तो इस तरीके की पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी। और इस तरीके के स्टोन वाले बैंगल्स हैं। इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है 2-6, एंड 2-2 मतलब 4 का आपको सेट देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे मतलब आगे पीछे भी लगवा सकते हो सेट में, या फिर सिंगल सिंगल भी पहन सकते हो, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे हैं। तो ये है जो नेक्स्ट बैंगल्स मैंने पिक किए हैं, और इसमें आपको शायद कलर ऑप्शन मीशो पे काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है ये मंगलसूत्र, मेरे लिए नहीं, मेरी मॉम के लिए। तो इस तरीके की आपको छोटी सी ये पैकेजिंग में देखने को मिल जाएगा। ये है ना कॉम्बो में है, दो मंगलसूत्र एक साथ, तो अगर
मे बी ये वाला कॉम्बो शायद आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन अलग अलग डिजाइन में कॉम्बो अभी अवेलेबल है, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। एंड इस तरीके के छोटे छोटे मंगलसूत्र देखने को मिलेंगे। लुक एट दिस, और साइड में है ना वैसे क्लिप लगवा दूंगी। तो इस तरीके के मंगलसूत्र है, बिल्कुल छोटा सा है, यहाँ पे एक का पेंडल है। एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लग रहा था, और पहनने के बाद बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये वाला है जो साइड में आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना क्यूट है, लुक एट दिस, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पे आपको हार्ट शेप देखने को मिल जाएगा, और ये इस तरीके का है, कुछ यहाँ पे स्टोन लगाए हुए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला डिज़ाइन मुझे। तो ये वाला परचेज किया है एक, और मैं ट्राई करूँगी साइड में इमेज लगा दूँगी, जिससे आपको भी ईजी हो जाएगा परचेज करना या फिर डिज़ाइन देखना। ऐसे में भी आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है वो है ये वाली इयर रिंग्स एंड टीका। इसमें भी आपको सारे कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, मीशो पे डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। ये मुझे बहुत ही कम प्राइस में लग रहे थे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे किसी भी लहंगा या साड़ी के ऊपर डालने के लिए, तो मैंने सोचा यार एक परचेज करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये ऐसे हैं कि कभी भी आप पहन सकते हो। यहाँ पे आपको इस तरीके से स्टोन देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे ये मोती लगाए हुए हैं। ये दोनों इयर रिंग है, और ये टीका इन्होंने इसके साथ में दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे आपको स्टोन देखने को मिल जाएगा, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। अब जो लास्ट आइटम मैंने यहाँ से पिक किया है, ये है दो ग्लिटर आईलाइनर, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैंने पहले भी ग्लिटर आईलाइनर ट्राई किए हुए हैं, लेकिन पहले मैंने अमेजोन से पिक किए थे, पर अब की बार मेरे जब खत्म हो गए तो मैंने सोचा मीशो से पिक करके देखती हूँ क्वालिटी कैसी आती है। तो इसमें मैंने दो शेड परचेज किए हैं, एक तो सिल्वर वाला, एक ब्लू वाला, दो शेड मैंने परचेज किए हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अभी तक मैंने इन्हें ट्राई नहीं किया है, और बता दूंगी साइड में आपको, वेट मैं आपको अभी बता देती हूँ, लुक एट दिस, मे बी कैप्चर हो रहा हो। तो इस तरीके की ग्लिटर आईलाइनर है, ब्रश भी काफ़ी अच्छी है, एंड अच्छे लगते हैं यार, कभी कभी लगाने में बहुत ज़्यादा सही लगते हैं। तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और कलर ऑप्शन भी इसमें आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। पर मुझे दो कलर सही लगे, एक गोल्डन कलर, एक कॉपर, कुछ कॉमन कलर्स है जो आप ले सकते हो, और वो हर आउटफिट के साथ आराम से चले जाते हैं। तो ये दो आईलाइनर है जो मैंने परचेज किए हैं। तो ये था आज का मीशो हॉल, और आई होप आपको आज का मीशो हॉल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, मैं चाहती हूँ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे विद बेल आइकन, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। एक तो आपके आप जो मैं रीसेलिंग वाला वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अब से मेरे चैनल पे, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। नोटिफिकेशन बेल बेल आइकन प्रेस करके रखना, जिससे आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिले और जल्दी आप मेरी वीडियो देख के ग्रैब कर सको। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।